हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माता रानी की कृपा से आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड, नमक पारा की रेसिपी हमारी बनके तैयार हो चुकी है। फ्रेंड, ये बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची है नमक पारा हमारा। इसको आप चाय के साथ में खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है नमक पारा। फ्रेंड, एक नमक पारा हम आपको तोड़ के दिखाते हैं। अच्छे से टूट गया नमक पारा हमारा। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड, आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप फुल वॉच कीजिएगा, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। फ्रेंड, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगेगा फ्रेंड, तो एक लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। चलिए फ्रेंड, देखते हैं कि आज हम अपनी रेसिपी कैसे बनाते हैं। ये है हमारा तेल, आधी कटोरी मैंने तेल लिया है। तेल हमारा रिफाइंड का है, इसको हम साइड में रख देते हैं। ये है हमारा मैदा 300 ग्राम, अब इसको हम छान देंगे मैदे को अपने। मैदा छानने के लिए एक हम चलनी लिए हैं, इसी में हम अपना मैदा छान लेंगे। मैदा को अब हम छान लिए फ्रेंड। यहाँ पे हम लिए हैं अजवाइन, अजवाइन हमारा आधा चम्मच है, इसको भी इसमें डाल के मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे लिए हैं हम एक चम्मच ये करी कस्तूरी मेथी, इसको भी हम डाल के देंगे इसमें डाल के मिक्स कर लेंगे। कस्तूरी मेथी डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। एक चम्मच हम इसमें नमक डाल देंगे, नमक हमारा सफेद नमक है, इसको भी डाल के मिक्स कर लेंगे। ये हमारा रिफाइंड भी हम डाल के मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड, आज की हमारी रेसिपी है नमक पारा। हम बनाएंगे इसको हाथों से ऐसे मिक्स करके खस्ता करेंगे दोनों हाथों से। फेस्टिवल का समय चल रहा है फ्रेंड, घर पे मिठाइयाँ बनती हैं, मिठाइयाँ और नमकीन बनाना तो बनता ही है। इसको हम दोनों हाथों से खस्ता कर लेंगे। इस तरीके से हमें खस्ता करना है, जब खस्ता हो जाएगा तो बहुत अच्छा बनेगा नमकीन हमारा। मैदा हमारा खस्ता हो चुका है फ्रेंड, और इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ऐसे एक गड्ढा कर लेंगे बीच में, इसमें हम पानी डालेंगे। पानी डाल के इसको गूंथेंगे, जैसे कि हम रोटी का आटा गूंथते हैं। रोटी का आटा थोड़ा सा मुलायम रहता है, इसका आटा हमें थोड़ा टाइट रहेगा, नहीं तो नमक पारा अच्छा नहीं बनेगा। आटा हमारा गूंथ चुका है, इसको हम आस्ते आस्ते हम दबा रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा हमारा आटा गूंथ गया है। इसको फिर अब हम साइड में रख देते हैं। थोड़ा सा मैदा यहाँ पे मैंने पहले से निकाल लिया था, सूखा मैदा हमारा। थोड़ा सा आटा ले लिए हैं, अब इसको जैसे हम रोटी बनाते हैं उसी शेप में हम इसको बेलेंगे। रोटी से थोड़ा हमारा ये बड़ा रहेगा, ऐसे हम बना लेंगे। बनाने के बाद में गोल को ऐसे हम हाथों से प्रेस कर लेंगे। अब इसी में हम अपना मैदा लगाएंगे, सूखा मैदा। अब इसको लगा के ऐसे हम बेलेंगे। इसी तरीके से हम बेलन लिए हैं जिससे हम रोटी अपना बेलते हैं, इसको ऐसे हम बेल लेंगे। ऐसे गोल गोल बेलते रहेंगे, थोड़ा सा आटा और लगा लेंगे। आटा हमारा रोटी से थोड़ा हम बड़ा ही बेले हैं। अब एक नाइफ लिए हैं, इससे हम काटेंगे। ना हमारा बहुत पतला है और ना हमारा ये बहुत मोटा है, इसी शेप में इसको हम बेल लिए हैं फ्रेंड। अब इसको हम काटेंगे, आप जिस शेप में काटना चाहें उस शेप में आप काट सकते हैं अपने मनपसंद से, चाहे आप इसको चौकोर में काटें या आप इसको गोल में काटिए अपने पसंद के हिसाब से।
इसी तरीके से हम दूसरा भी बेल लेंगे अपना रोटी की तरह। इसको साइड में रख देते हैं प्लेट में। दूसरा भी हम ये लोई उसी तरीके से बेलेंगे जैसे पहले बेला। रोटी की तरह इसको भी हम बेल लेंगे फ्रेंड। इसको भी हम काट लेंगे जैसे पहले काटा था इसी तरीके से नाइफ से काट लेंगे। इसको भी हम प्लेट में रख लेंगे। ऐसे हम अपना सारा मैदा कलोई बना के काट लेंगे इसी तरीके से। इसी तरीके से मैंने अपना सारा नमक पारा बेल के काट लिया है। चलिए फ्रेंड दूसरा स्टेप देखते हैं कि कैसे हम उसको बनाते हैं। सबसे पहले हम गैस को ऑन किए हैं। उसमें हम रिफाइंड डाले हैं कढ़ाई में। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसी में हम अपना नमक पारा तलेंगे। ऐसे डाल के नमक पारा तल लेंगे। एक कच्ची लेकर ऐसे हम इसको चलाएंगे। जो आपस में चिपका है नमक पारा वो अलग अलग हो जाएगा तेल में पड़ते ही। फिर नमक पारा हमारा बन चुका है। फिर इसको हम निकाल लेंगे एक कोने में करके। ऐसे सारा तेल इसी कढ़ाई में आ जाएगा। इसी तरीके से हम अपना दूसरा बैच भी बनाएंगे। खस्ता नमक पारा हमारा बनके तैयार हो चुका है। अब इसको हम एक प्लेट में रख लेंगे। गैस को हम हाई टू फ्लेम पे रखेंगे। बीच बीच में हम नमक पारा अपना चलाते रहेंगे। अगर इसको हम पलटेंगे नहीं तो एक तरफ से जल जाएगा। इसी तरीके से हम अपना दूसरा बैच भी बना लिए हैं। इसी तरीके से हम अपना सारा नमक पारा बना लेंगे फ्रेंड। इसको भी हम एक बाउल में या प्लेट में रख लेंगे। नमक पारा हमारा बनकर तैयार हो चुका है। फिर आप देख सकते हैं कितना एक अच्छी बना है नमक पारा हमारा। नमक पारा अच्छी है इसकी दोनों। इसको आप चाय के साथ में खाइए बहुत ही अच्छी में लगेगा नमक पारा। ढेर सारा नमक पारा हमारा बनके तैयार हो चुका है फ्रेंड। तो फ्रेंड्स नमक पारा तो आपने बहुत सारे खाए होंगे लेकिन आप मेरी उम्मीद तरीके से नमक पारा अभी तक नहीं खाया होगा फ्रेंड। ये हमारा कितना टेस्टी बन चुका है नमक पारा। आप भी इसी तरीके से बनाइए खाइए और कमेंट करके जरूर बताना फ्रेंड कि कैसी रही आज की हमारी रेसिपी। अपने फ्रेंड और फैमिली में शेयर करना बिल्कुल ना भूलना फ्रेंड। अगर आप हमारे वीडियो को पसंद करते हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना फ्रेंड। तब तक के लिए आपसे मिलते हैं नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ में। थैंक यू।